सच्चाई, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये क्या आपने बोला? क्यों नहीं, खुशबू कागज के फूलों से क्यों नहीं आ सकती है? अरे आप फूल में सेंट मारिए, कागज के फूल में तरह तरह के आज मार्केट में सेंट बिकते हैं, उसको मारिए देखिए तो उससे खुशबू कैसे आ रहा है। चलिए छोड़िए, तो मजाक था। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हिंदी का कारक जो मैंने फर्स्ट पहला वीडियो बनाया था आपने देखा, और मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने बताया कि सर इसका आप पार्ट टू जरूर बनाइए, तो मैं आज वो पार्ट टू लेकर आ गया हूँ। तो चलिए आज हम इस पार्ट टू में सीखेंगे कारक के जितने भी 8 भेद हैं उसको विस्तृत रूप से उसकी जानकारी हम लोग आज सीखेंगे। तो स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। जैसा कि देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि कारक के जो भेद होते हैं 8 में उसको एक एक करके डिस्कस करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप वीडियो पे पहली बार आ गए हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो कर क्या रहे हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको 2 महीने में आपका पूरे हिंदी को इतने अच्छे से करा दूंगा कि आपका 80 से 90 मार्क्स हिंदी में कहीं नहीं जाने वाला। मैं वो ट्रिक भी बता दूंगा कि आप हिंदी में कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम अपने आज के टॉपिक जो हमारा है, जो हमारा आज का विषय है कि कारक के सभी 8 भेदों को विस्तृत रूप से आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन जरूर कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। चलिए देखिए पहला जो है, इसके पहले जो भेद का नाम जो था मैंने लिखवा दिया पहले वाले वीडियो में, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए वो, जिसका नाम है क्लास 10 हिंदी प्लेलिस्ट का, उससे आप देख सकते हैं। देखिए हमारा पहला क्या था, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो काम को करता है, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है, आपको ये भी ध्यान देना है कि विभक्तियों के बारे में, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मोहन ने खाया, यहाँ पे जो ने आ गया इसकी क्या हो गई, विभक्ति हो गई। सोहन मछली पकड़ता है, या सोहन ने मछली पकड़ी कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक मैंने लिख दिया, सोहन ने मछली पकड़ी। अरे सोहन को कुछ भी पकड़ा दो भाई, मछली क्यों पकड़ा रहे हो, गाय पकड़ा दो, भैंस पकड़ा दो, बैल पकड़ा दो, किताब पकड़ा दो, कलम पकड़ा दो, कुछ भी पकड़ा दो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ने नहीं लिखा हुआ है। ने यहाँ पर क्या है, छिपा हुआ है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोहन ने मछली पकड़ी। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर पे आते हैं, कर्म कारक। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ने वाले हर एक हिंदी मीडियम के पास ये वीडियो होना चाहिए, ताकि वे इस लॉकडाउन में अपने सिलेबस को आगे रख सके और अच्छा से अच्छे नंबर लाकर अपने और अपने देश के नाम के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सके। देखिए कर्म कारक यानी कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, माने जब कोई कर्ता काम करता है और उस काम करने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ने लगे तो हम उसी को क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे। ठीक है, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। माने कर्ता कुछ कार्य किया है, उसका प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ा है, वो आम खाए हम और प्रभाव किसी और के ऊपर पड़े। ठीक है, तुम लिखो और किसी का इसका प्रभाव किसी और के ऊपर पड़े, यही क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। देखिए इसका चिन्ह को है, को यानी विभक्ति या चिन्ह, विभक्ति दोनों क्या एक ही होता है, को है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी यहाँ पर मैं जो हो गया काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का, लेकिन पढ़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किताब, माने वो पढ़ क्या रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना अच्छे से कि जो
कर्ता कार्य कर रहा है उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है, यानी किताब के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ क्या रहा है किताब। तो ये हो गया आपका कर्म कारक का उदाहरण। उसी तरह वह राम को पीटता है, यानी वह जो है क्या करता है, पीटता है। किसको पीट रहा है भाई, राम को पीट रहा है। देखिए पीटने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, राम के ऊपर है। नहीं मारना चाहिए किसी को, कभी मत मारो, प्यास से समझा तो यार उसे मारने की क्या जरूरत है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि कर्म कारक किसे कहते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं करण कारक के ऊपर। करण कारक यानी जो जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, यानी जो क्रिया को करने में हमारी मदद करता है। माने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम लोग क्रिया को क्या करते हैं, करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं करण कारक। यानी जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। साधन का काम जो करता है क्रिया को करने में उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से और द्वारा है, यानी इसका चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा, इसमें से और द्वारा रहता है। जैसे देखिए एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यानी यहाँ पर मैं जो है करता है लिखने का काम कर रहा है, लेकिन ये काम किसकी सहायता से किया जा रहा है, क्रिया के संपादन में कौन साधन का काम कर रहा है, वो हो गया हमारा कलम। किस चीज से वो लिख रहा है, कलम से लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कलम जो है साधन का काम कर रहा है, तो यही हो गया हमारा करण कारक। उसी तरह उसकी उंगली चाकू द्वारा यहाँ पे देखिए कट गई, यानी यहाँ पर जो कट गई है तो क्रिया हो गया। किसके द्वारा कट गई भैया, उसकी उंगली कट गई चाकू द्वारा, यानी जो कटने का काम हुआ है वो चाकू के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे चाकू जो है एक साधन का काम कर रही है क्रिया को संपादन करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप उदाहरण के द्वारा भी समझ रहे हो, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ उदाहरण दे दिया और पूछेगा कि ये कौन सा कारक है, तो आप इसको अच्छे से समझकर जो मैंने बताया आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। चलिए हमने तो यहाँ पे तीन कारक के बारे में विस्तृत से जानकारी ले लिया। अब इसके बाद जो पांच बच गए, चार नंबर जो हमारा है संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान नाम से ही पता चल रहा है, दान यानी कोई चीज दान की जा रही है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसकी परिभाषा कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, यानी जो करता होता है किसी दूसरे के लिए क्रिया करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक बोलते हैं। यानी करता जो क्रिया अपने लिए नहीं करता, किसके लिए करता है, किसी दूसरे के लिए करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है को के लिए, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। इस चिन्ह आपने इसका समझ लिया, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। ठीक है, यानी राम ने काम किया है देने का, लेकिन किसके लिए उसने काम किया है, श्याम के लिए, उसने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। अब देखिए राम यहाँ पर क्या कर रहा है, श्याम से लगता है उसको बहुत ज्यादा लगाव है, यहाँ पर राम ने तो श्याम के लिए पुस्तक खरीद ली। आप लोग भी अपने शिक्षकों के लिए टीचर डे के दिन गिफ्ट जरूर खरीदते हो, यानी आप काम तो करते हो खरीदने के लिए, लेकिन किसके लिए, अपने टीचर के लिए। तो जो कुछ इस तरह के कार्य किए जाते हैं, काम करोगे खुद लेकिन करोगे दूसरे के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं संप्रदान कारक। यानी कभी ऐसा लगे कि दान देने की बात हो रही है, किसी दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, वो हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, आप समझे होंगे। कभी कभी सवाल में, कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है, एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि ये बताइए ये कौन सा कारक है। मान लो कि आपको दे दिया कि राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, या कुछ और भी उदाहरण दे सकता है इसी तरह का, मैंने दूसरे के लिए कार्य किया, बोला कि यहाँ पर कौन सा कारक है आप उसे लिखिए। तो देखिए ये जो है श्याम के, तब हम कैसे पहचानेंगे, उनके चिन्ह से। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला था कि इसका चिन्ह जो होता है को और के, यानी श्याम के लिए, ये जो श्याम के लिए हुआ, या आपका यहाँ पर श्याम को, तो इससे हम बोलेंगे कि ये श्याम के लिए जो है संप्रदान कारक। इतना ही लाइन लिखेंगे कि श्याम के लिए
और उसको लिख देंगे कि ये संप्रदान कारक है। ऐसा भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग 5 नंबर को देते हैं, आपदान कारक। यानी अगर क्रिया के संपादन में होता क्या है कि क्रिया के संपादन में अगर कोई वस्तु अलग हो जाती है तो उसे हम लोग अपादान कारक बोलते हैं। अपादान, ठीक है, माने अलग हो जाना। जब भी क्रिया हुई तो कोई चीज क्या हो गया, अलग हो गया, हट गया, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जैसे देखिए कि अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे सॉरी, इसका चिन्ह देख लीजिए, इसका चिन्ह से है, इसका चिन्ह क्या होता है, से। उदाहरण देखिए, जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। यहाँ पर देखिए जो पत्ते हैं वो पेड़ से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। गिरना तो आपका क्रिया हो गया, लेकिन जब क्रिया हो रहा है यानी पत्ता का गिरना, तो पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो जा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वो किस कारक के होते हैं, आपादान कारक का। उसी तरह छात्र कमरे से बाहर गए, यानी छात्र जो है कमरे से बाहर चले गए, जाना तो एक क्रिया हुई। आप कहाँ जा रहे हो, अरे आप रुको, अभी हमें 3 पढ़ना है, आप कहीं मत जाओ, ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझिए, आप कहीं मत जाइए। तभी तो छात्र गए हैं ना बाहर, तो छात्र कमरे से बाहर गए, तो यहाँ पे जो जाना हुआ, जाना तो एक क्रिया हुआ, लेकिन जब क्रिया हो रही है तो कोई चीज अलग हो जा रहा है। यानी छात्र पहले कमरे में थे, अब कमरे से कहाँ चले गए, बाहर चले गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपादान कारक। और इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा आपादान कारक है, कैसे पहचानिएगा, तो देखिए कमरे से ये आपका आपादान कारक हो गया, या पेड़ से ये क्या हो गया, आपका आपादान कारक हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारा 3 बच गया कारक है, जैसे हमारा क्या है आगे, संबंध कारक। यानी संबंध कारक क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध का बोध हो, क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी जिससे हमें ये पता चले, किसी संबंध के बारे में पता चले, इसके चिन्ह है का के की। जैसे आप उदाहरण में देखिए कि मोहन का घोड़ा दौड़ता है, यानी मोहन का घोड़ा का संबंध, दौड़ना तो यहाँ पे क्रिया हो गया, लेकिन घोड़ा का संबंध किससे हो रहा है, मोहन से, तो यहाँ पर देखिए ये संबंध कारक हो गया। उसी तरह वह राम का भाई है, वह राम का क्या होगा, भाई है, तो राम का भाई का संबंध किससे हो रहा है, राम से, तो यहाँ पर आपका जैसे मोहन का और राम का ये जो हुआ संबंध कारक हुआ। इस तरह से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि ये कौन सा कारक है, तो आपको बताना होगा, आप अच्छे से अपने कॉपी में इसे लिखिए। चलिए अगले कारक के पर चलते हैं। अगला कारक है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का परिभाषा क्या होता है, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो। यानी जिस कारक से हमें क्रिया के ज्ञान के आधार प्राप्त होता हो, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई कार्य हो रहा है तो कार्य हो कहाँ पे रहा है, अगर ऐसी हमें जानकारी मिले तो उसे हमें अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके चिन्ह है में पर। जैसे देखिए शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, देखिए पढ़ाने का काम तो क्रिया हो रहा है, शिक्षक जो है एक कर्ता के रूप में कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पढ़ा रहे हैं, वर्ग में, वर्ग यानी कक्षा होता है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि वर्ग में या महेश छत पर बैठा है। यानी बैठना तो एक क्रिया हो गया, लेकिन कहाँ बैठा है, आपका क्रिया के आधार क्या हो रहा है, क्रिया कहाँ पर हो रही है, यानी छत पे हो रही है, यानी छत पर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ये किस चीज का उदाहरण है, अधिकरण कारक के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या बुलाने का बोध होता है, पुकारने या
संबोधन का बोध होता है उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है, हे, अरे, अजी, ए, ओ आदि, ये जो होते हैं संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। इससे किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध होता है। जैसे देखिए, हे ईश्वर मेरी मदद करे, अरे दोस्त जरा इधर आओ, तो यहाँ पर हे ईश्वर और अरे दोस्त ये जो होगा संबोधन कारक होगा। तो आप इसे अच्छे से अपने कॉपी पर उतारे, अरे कहीं जाइए मत, अभी रुकिए, आपको कुछ जरूरी बातों को मुझे बताना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में मैं अच्छा नंबर लाऊं, तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि हिंदी के जितने भी आपके पाठ दिए गए हैं, कहानी में, कविता में, या निबंध है, या आपका सहायक पाठ में जो भी पाठ दिया गया है, उसे आप पढ़िए, पाठ को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसमें से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न भी होता है, जो आपको टीक आउट करने वाला MCQ जो हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो वाला बनाया जाता है और वो आपके एग्जाम में लगभग 34 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप यदि अपने हिंदी के किताब के पाठ को पढ़ते हैं, उसको रेगुलर पढ़िए, हमेशा पढ़िए, तो आपको वहां से बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो आपको मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, और व्याकरण में जो हमारा 4 पाठ्यक्रम है, क्या क्या है, कारक, आज मैंने कारक को तो पूरा कर दिया, उसके बाद वाच्य है, समास है, इसके बाद मैं समास का वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूंगा। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, और आप कारक, आपने कारक के 8 भेदों को मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया, और आपको 1 या 2 उदाहरण जरूर दिया। अगर आपको भी कोई कारक का उदाहरण समझ में आ रहा है तो उदाहरण लिखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये जो मैंने उदाहरण लिखा है वो इस कारक का है, मैं उसे सही या गलत कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा समास का। यदि अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मेरे मेहनत का मुझे सही फल मिल सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट इस लॉकडाउन में इस चैनल का लाभ उठा सके। चलिए, आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।